गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कक्षा सातवीं विषय हिंदी छठवा पाठ है चंदा मामा की जय। ये पाठ भी हमारा हो चुका है, लेकिन फिर भी इस पाठ के जो प्रमुख मुद्दे हैं वो आज आपको स्पष्ट कर दिए जाएंगे, ठीक है। तो उसमें से सबसे पहला है चंदा मामा की जय। इस कहानी, इस एकांकी का सारांश, जो पूरी कहानी है हमें वो लिखनी है, ठीक है। चंदा मामा की जय, इस एकांकी का जो सारांश है आपको बताया जाएगा। न्यायाधीश रात रानी के सामने नींद परी कुछ बच्चों को पेश करती है। जो रात रानी नाम की जो न्यायाधीश है, उस न्यायाधीश के सामने नींद परी कुछ बच्चों को क्या करती है, उसके सामने खड़ा करती है, यानी पेश करती है। उन पर मुकदमा चलाया जा रहा है। ये जो एकांकी है चंदा मामा की जय, इस पाठ में क्या बताया कि वो जो छोटे छोटे बच्चे हैं उन पर क्या हो रहा है, वहां पर मुकदमा चलाया जा रहा है। नींद परी के अनुसार वे सभी बच्चे बात बात पर रोते हैं। जो नींद परी है उनके अनुसार जिन बच्चों को न्यायाधीश के सामने खड़ा किया है, पेश किया है, वो जो बच्चे हैं वो बात बात पर रोते हैं, अपनी माँ का कहना नहीं मानते। वो जो बच्चे हैं बात बात पर रोते हैं और अपनी माँ का कहना नहीं मानते हैं, शैतानी करते रहते हैं। माँ का कहना नहीं मानते, बात बात पर रोते हैं, शैतानी करते रहते हैं। रात रानी उनमें से एक को सजा देने की बात करती है। जो रात रानी है, जो न्यायाधीश है, वो उनमें से एक बच्चे को सजा देने की वो बात करती है, तो सभी बच्चे रोने लगते हैं। एक बच्चे को सजा देने की बात जब रात रानी करती है तो जो सभी बच्चे हैं वो सभी बच्चे रोने लगते हैं। तभी चंदा मामा आ जाते हैं और बताते हैं कि ये बच्चे एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं। रात रानी उन बच्चों में से एक को सजा देने की बात कर रही थी, यानी एक बच्चे को सजा देने वाली थी। उतने में वहां पर चंदा मामा आते हैं और चंदा मामा बताते हैं कि ये जो बच्चे हैं वो बहुत ही अच्छे हैं और एक दूसरे को वो बहुत ही प्यार करते हैं और उसी के साथ आपस में कभी झगड़ा भी नहीं करते। इस प्रकार इस एकांकी का सारांश भी आपको लिखना है, ठीक है। हमारा दूसरा मुद्दा है कि इस एकांकी के पसंदीदा पात्र का वर्णन करो। ऐसा जरूरी नहीं है कि चंदा मामा ही इस एकांकी का पसंदीदा पात्र है। आपको उसके अलावा यदि कोई पात्र अच्छा लगा होगा या लगता है तो उसकी भी जानकारी आप लिख सकते हो। इस एकांकी में रात रानी है, उसी के साथ नींद परी है, चंदा मामा है, बहुत सारे पात्र है और उनमें से यदि आपको कोई पात्र पसंद है तो वो भी आप लिख सकते हो। इस एकांकी का पसंदीदा जो पात्र है वो है चंदा मामा, ठीक है। आप दूसरा भी लिख सकते हो। तो इस एकांकी में जो मेरा पसंदीदा पात्र है वो है चंदा मामा। उसके आने पर सभी बच्चे खड़े होकर खुशी से ताली बजाते हैं। इस एकांकी का जो मेरा पसंदीदा पात्र है वो चंदा मामा है और जैसे ही चंदा मामा आता है तो सब बच्चे खड़े होकर क्या करते हैं, तालियां बजाते हैं। उन्हें बच्चे बहुत प्रिय है। किसे? चंदा मामा को। चंदा मामा को बच्चे बहुत ही प्रिय है। उनके अनुसार चंदा मामा बहुत ही दयालु और समझदार है। बच्चों के अनुसार जो चंदा मामा है बहुत ही समझदार और दयालु है। वे रात रानी को बच्चों के अच्छे गुणों के बारे में बताकर उन्हें सजा न देने के लिए कहते हैं। जब न्यायाधीश रात रानी एक बच्चे को सजा देने वाली थी, उतने में चंदा मामा वहां पर आते और क्या कहते हैं कि ये बहुत बच्चे बहुत ही समझदार है, कभी सब एक दूसरे से प्यार करते हैं और कभी आपस में झगड़ते नहीं। यानी रात रानी को सिर्फ बच्चों की बुराई का ही पता था, लेकिन जो बच्चों में जो अच्छे गुण है उसका पता रात रानी को कब चला, जब चंदा मामा ने रात रानी को बताया कि ये बच्चे बहुत ही अच्छे हैं, एक दूसरे से प्यार करते हैं, कभी आपस में
झगड़ते नहीं है। यानी बच्चों के जो अच्छे गुण थे वो अच्छे गुण चंदा मामा ने रात रानी को बताए और उन्हें सजा न होने देने के लिए उसने कहा। यानी अगर चंदा मामा नहीं आता, बच्चों के अच्छे गुण नहीं वो बताता, तो रात रानी क्या करती, बच्चों को सजा देती। और इसीलिए इस एकांकी का जो पसंदीदा जो मेरा पात्र है वो है चंदा मामा। इस प्रकार आप इस एकांकी में बहुत सारे पात्र है, जो भी आपको आपका पसंदीदा होगा उसके बारे में आप लिख सकते हो। ठीक है, आपके जो मार्क्स है बिल्कुल काटे नहीं जाएंगे, लेकिन आपको अच्छी तरह से उसका वर्णन करना है। ठीक है।